एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो आपके लिए गुड न्यूज है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नए चेयरमैन की नियुक्ति हो गई है भाई। हरियाणा सरकार की तरफ से गजट नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है, ये आपके सामने है और इसको मैं डाल दूंगा मेरे टेलीग्राम पर, वहाँ भी देख लेना। टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप जुड़ जाना टेलीग्राम के ऊपर, वहाँ पर बहुत सारी आपको नॉलेज मिलेगी, बहुत सारी भर्ती के बारे में अपडेट मिलती रहती है, तो जुड़ जाना। देखो किसको बनाया गया नया चेयरमैन, तो नए चेयरमैन बनाया गया किसी नए व्यक्ति को, ठीक है भाई। अब नया व्यक्ति कौन है, तो यहाँ पे देखो ये है गवर्नर ऑफ हरियाणा, ठीक है, उनकी तरफ से ये अपॉइंटमेंट की गई, क्योंकि जो भी अपॉइंटमेंट होती है ऐसी वो सब वहाँ से होती है। अपॉइंट श्री हिम्मत सिंह, रेजिडेंस ऑफ विलेज खेड़ी मातरवा है जो भी प्रोनाउंसिएशन, भाई कुछ और भी हो सकती है, गाँव का नाम सबको समझ नहीं आता। पोस्ट ऑफिस कोल डिस्ट्रिक्ट कैथल, एज चेयरमैन ऑफ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ही टेक ओवर ए सच एज और टिल ही सेल अटेंड एज ऑफ 68 ईयर विच ईयर इज अर्लियर एज द केस मे बी इन टर्म ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन। ये मतलब कि इनकी अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए की गई है, या तो तीन साल का टाइम पहले पूरा हो जाए, या फिर इनकी खुद की है 68 ईयर हो जाए, जो भी चीज़ पहले होगी इनका टाइम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और उम्मीद करूँगा कि हिम्मत सिंह भाई बड़ी बड़ी हिम्मत के साथ भर्तियों को पूरा करेंगे, आगे देखते हैं क्या करते हैं। और अपॉइंटमेंट जो हुई है, अब इसके बाद कुछ चीज़ें हैं, जैसे बता देता हूँ क्या क्या होगा। अब आपका होगा तो TGT का रिजल्ट आएगा, एक ग्रुप डी की जो बची हुई पोस्ट है, जो 5 नंबर के बिना जो बची हुई पोस्ट है उनका रिजल्ट अब आ सकता है, क्योंकि चेयरमैन के बिना रिजल्ट जारी नहीं हो सकता था, तो फाइनली ये चीज़ हो गई है, अब देखते हैं। लेकिन एक बात और है कि कोर्ट ने कहा था कि सेक्रेटरी के लिए किसी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के लेवल के बंदे को अपॉइंट करना है, अब वो देखते हैं कि वो करना मैंडेटरी है या नहीं है, उसके बिना भी कुछ हो सकता है, तो वो पता नहीं भाई। बाकी चेयरमैन की नियुक्ति हो गई है, तब जो रिजल्ट पेंडिंग है उनके आने की संभावना आपकी हो गई है, विद इन 2 से 3 डेज कोई ना कोई रिजल्ट आना चाहिए। और सबसे पहले जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसके ऊपर कोई अगर आता है लेटर तो वो देखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर देना।